मैटलैब ट्यूटोरियल सीरीज की लेक्चर 15 के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम लेबलिंग फ्रंट साइड हम जो अगर फिगर को हम जो भी लेबल करते हैं एक्स लेबल वाई लेबल या इसके अलावा कोई भी लेबलिंग करते हैं हम जो प्रीवियस पार्ट पार्ट 12 में हमने डिस्कस किया कि किस तरह हम एक फिगर के कॉर्नर पे लेफ्ट कॉर्नर टॉप लेफ्ट बॉटम लेफ्ट राइट लेफ्ट पे हम डिफरेंट बॉटम से हम किस तरह से वहां पे टेक्स्ट लिख सकते हैं एक्स एक्सिस को किस तरह लेबल कर सकते हैं वाई एक्सिस को. इसमें हम देखेंगे कि उनका अगर फ्रंट साइज हमने इंक्रीज करने हैं तो वो हम किस तरह करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल प्लॉट में देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉडल रन किया प्लॉट एक्स वन वाई वन. एक्स वन हमारे पास क्या है रेंज है फ्रॉम जीरो टू दिस एंड वाई वन हमारे पास क्या है साइन ऑफ एक्स वन हमारे पास है. तो उसको मैंने सिंपल टाइटल दे दिया. तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं फ्रंट साइज और उसके बाद आप जो भी फ्रंट साइज देना चाहें जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जैसे वर्ड के वर्ड है पावर पॉइंट है उसके अंदर जिस तरह हम उसका साइज ज्यादा करते हैं इस तरह आप कोई साइज भी चूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दोबारा से रन करके देख लेता हूँ. आप कोई फ्रंट साइज भी इधर से इंक्रीज कर सकते हैं जैसे 24 कर देता हूँ इसका 20 तो ये आप देख सकते हैं जस्ट प्रेस एंटर फिगर पे आप देख सकते हैं फ्रंट साइज काफी इंक्रीज हो रहा हो गया है. ये एक्सपेंशन लिखा है अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट एट बॉटम पे अगर हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ये साइन किया. अगर आप ये नहीं जानते कि किस तरह से हम इस फंक्शन को लिखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है तो आप प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं मैटलैब ट्यूटोरियल सीरीज का जिसमें मैंने कॉर्नर लेबलिंग फंक्शन के नाम पे ट्यूटोरियल बनाया है. जस्ट प्रेस एंटर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉर्नर पे टेक्स अब हमारे पास फ्रंट साइज इसका इंक्रीज हो गया. इस तरह आप अपनी मर्जी से और ज्यादा भी इंक्रीज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ट्वेंटी टू कर लेते हैं सेंटर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया. फॉर एग्जांपल अगर हमने लेबल में लिखना है टू पाई या और मैथमेटिकल फंक्शन अगर हमने यूज करना है यूज करने हैं डिजिट्स लिखने हैं या लेफ्ट राइट बैक स्पेस हमने यूज करनी है या अगर हमने हमने स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस वगैरह इनको कहीं टाइटल में यूज करना है या लेबल्स में यूज करना है तो हम किस तरह करेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टेक्स्ट करेक्टर्स अवेलेबल है मैटलैब के अंदर इनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे.